भारत यात्रा को मिला भाजपा की कद्दावर नेता उमा भारती का साथ, भाजपा में मचा बवाल। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोमवार को बैतूल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को यह संदेश दे रही हूं कि उनकी यात्रा में एक चीज छूट रही है और वह है पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर। वहां तक यात्रा को लेकर जाइए और उसे जोड़कर ही वापस लौटे, नहीं तो वापस मत आइए, उधर ही रह जाइए। उन्होंने कहा कि मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा कि भारत को जोड़ना कहाँ है, क्योंकि टूटा कहाँ से है। टूटा तो राहुल गांधी के दादा जवाहरलाल नेहरू के समय पर था, हमने तो जोड़ लिया धारा 370 हटाकर। उमा भारती नागपुर से रविवार की रात बैतूल पहुंची और भारत भारती में विश्राम के बाद सुबह भाजपा नेता राजीव खंडेलवाल के निवास पर पहुंची, जहां मीडिया से चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि मेरा नया नारा है, शराब छोड़ो, देसी गाय का दूध पियो, मधुशाला से गौशाला की ओर चलो, मधुशाला बंद करो, गौशाला खोलते चलो। गाय सहारा देती है, बोझ नहीं बनती है। गाय पालने से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। देश का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां जैविक खेती का रकबा बड़ा है। इस दिशा में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमतों से जीत मिलनी चाहिए और कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना चाहिए। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।